करने लगे कॉर्नर गोली को, गोली ठीक है, जिसके अगर फिलहाल हम लोग गुड फॉर्म्स को लेके चल रहे हैं ठीक है। कॉर्नर गोली को पुलिंग में क्या होता है, क्या क्वांटिटी होते हैं, यानी कि एक फर्म की क्वांटिटी जो है वो दूसरे फर्म की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है ठीक है। एक फर्म की क्वांटिटी दूसरे फर्म की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ये तो क्वांटिटी की लड़ाई थी, जो प्राइसेस की लड़ाई होती है बिटवीन दी ओलिगोपोली वो कहलाती है बेटरेंट की ओलिगोपोली, और जो के वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और चैनल पे अपलोड भी कर दी जाएगी। चलो सर ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करवाने लगी हूँ आप लोगों को ठीक है, उस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे उसको। इस चीज़ के लिए आपको पहली चीज़ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। अब जहाँ फॉर्म वन होगी तो यह मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ वन इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट, और जहाँ फॉर्म टू की बारी आएगी तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ टू ठीक। तो अगर इसको शुरू करते हैं आगे लेके चलते हैं, जहाँ जहाँ सॉल्व करेंगे वैसे वैसे समझाते रहेंगे ठीक है। तो उसके अंदर मैं करने क्या लिखूँ, सबसे पहली चीज़ पहले तो आपके सवाल सामने हैं आपके ठीक है, सवाल आपके सामने है प्राइस इज इक्वल्स टू 500 माइनस 2Q ठीक है, और क्वांटिटी क्या है Q1 प्लस Q2, मार्जिनल कॉस्ट आपको ऑलरेडी गिवन ठीक। तो मार्जिनल कॉस्ट वाला हिस्सा तो आप लोगों का पूरा, अब आपने क्या करना है ये दो चीज़ें अलग अलग फाइंड आउट करना ठीक है। तो प्राइस आपको गिवन है, आपने टोटल रेवेन्यू निकालने के क्या करेंगे क्वान्टिटी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मगर उससे पहले मैं क्यू की जगह ये दो रखती हूँ ठीक। तो प्राइस की मैं जो अब इक्वेशन निकाल रही हूँ वो हो जाएगी 500 माइनस 2 Q1 प्लस Q2 ठीक है, इसको मैं खोल दूँगी तो 500 माइनस 2 Q1 माइनस 2 Q2 प्राइस ठीक है। अब ये फॉर्म वन नाम, इसको मैं इक्वेशन वन का नाम दे रही हूँ ताकि अब मैं इसको आगे लेके चलूँगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, फॉर्म वन का रिएक्शन फंक्शन निकालना है ठीक है। अब उसको फंक्शन को मतलब मैं बाद में ड्राइव करूँगी, पहले मुझे उसका टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ फॉर्म वन क्या होगा, वन इज इक्वल्स टू प्राइस तो ये रहेगी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ठीक है, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैं क्वांटिटी ऑफ वन से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो क्वांटिटी ऑफ वन 500 माइनस 2 Q1 टू Q2 तक 500 Q1 माइनस 2 Q1 Q1 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 ये आ गया टोटल रेवेन्यू ऑफ वन ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन अंदर भी आपको क्या बताई है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू आ गया इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1 ठीक है, वो क्या मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ वन फर्म ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 500 Q1 के पावर जो है वो वन है, फिर मैं उसके ऊपर पावर वो भी लगाऊँ तो RDN ये वन बन जाएगा ठीक, माइनस Q1 2 पावर भी आ जाएगा Q1 ये माइनस वन माइनस 2 Q2 Q1 की जगह। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँ, 500 ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फॉर्म वन, माइनस 4 Q1 माइनस 2 Q2 डन इतना ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन एक फर्म के जो प्रोड्यूस करती है वो कैसे प्रोड्यूस करती है, जहाँ उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा होगा वो उस आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करती है ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म वन इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऑल ओवर सेम है ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या है 10। अच्छा हो सकता है जैसे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है आपको
टोटल कॉस्ट की इक्वेशन दे दी जाए और आपको उसका डेरिवेटिव लेके मार्जिनल कॉस्ट ड्राइव करके फिर इसको आगे सॉल्व करना है, हो सकता है। सवाल देने वाले की अपनी मर्जी होती है, वो जैसे कॉम्प्लिकेटेड कर दे चाहे जितना आप लोग इस चीज़ को आसान बना दें। ठीक, कंडीशन है फुलफिल हो रहा। अब कौन सी फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फॉर्म वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको क्वांटिटी वन के लिए सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व फॉर क्वांटिटी वन, तो जब सॉल्व हो जाएगी तो ओके एंड नेम इट एज रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म वन। ठीक, अब क्यू वन के लिए मैं इसको सॉल्व करूँ। ठीक है, तो क्यू वन के लिए क्या करूँगी, मैं इसको सिर्फ ले जाऊँगी 10 से। 500 माइनस 10 माइनस 2Q2 4Q1। ठीक है, इसको मैं Q1 में लेके आ रही हूँ, डिवाइड कर दूँगी 4 से। 500 माइनस 10 हो जाएगा 490 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2.4Q2। ठीक है, 122.5 माइनस 1/2Q2Q1। अब अभी यहाँ देखो तुम्हें क्या पता चल रहा है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय फॉर्म वन इज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस बाय फॉर्म टू। ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म टू। ठीक, ये तो हो गया रिएक्शन फंक्शन फॉर्म टू का। अब हमने फॉर्म वन का अब जिस तरीके से हमने ये पूरा सॉल्व करके रिएक्शन फंक्शन फॉर्म वन का निकाले, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्म टू का रिएक्शन फंक्शन भी निकालेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, ठीक, अब क्या होगा, रिएक्शन फंक्शन फॉर्म टू। ठीक, अब उसके लिए क्या होगा, प्राइस की वही इक्वेशन है, 500 माइनस 2Q1 माइनस 2Q2। अब टोटल रेवेन्यू निकालना है जब हमने फॉर्म टू का, तो हम क्या करेंगे, प्राइस तो वही रहेगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ, 500Q2 माइनस 2Q1Q2 माइनस 2Q2 स्क्वायर। सही, अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है फ्रॉम टू का, तो ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू टू क्वांटिटी टू। ठीक है, जिस फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं उसी की क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेना है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ टू, अब इसका रेवेन्यू का क्या बन जाएगा, 501 माइनस 2Q1 Q2 की जगह वन हो जाएगा माइनस 2Q2 2 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 500 माइनस 2Q1 माइनस 4Q2। ठीक, ये आ गई आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन के अंदर रख देंगे। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ टू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, 500 माइनस 2Q1 माइनस 4Q2 सही है, इक्वल्स टू 10। सॉल्व किसके लिए कर लेंगे, जिस फॉर्म का रिएक्शन फंक्शन बनाना है उसकी क्वांटिटी के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व फॉर Q2, ठीक है, एंड नेम इट एज रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म टू। ठीक, इसको Q2 के लिए जब मैं सॉल्व करूँगी तो कैसे हो जाएगा, 2Q1 ठीक है माइनस 10 यहाँ पे आ गया 4Q2, तो 490 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4Q1। ठीक है,
अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये बन जाएगा मेरे पास 122.5 माइनस 1/2 q1। ये आ गया रिएक्शन फंक्शन ऑफ 1 2। अब टाइम नहीं मेरे पास इसलिए इसको शॉर्ट रखा है, तो प्लीज फुल लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो दोनों रिएक्शन फंक्शन आ गए। ठीक है, अब हमने जब क्वांटिटी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, सही है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने इसकी क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं अब यहाँ क्या करने लगी हूँ, मैं पुट, ठीक है, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी वन की इक्वेशन कौन सी थी, रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्मूला इन क्वांटिटी टू इक्वेशन, यानी कि रिएक्शन फंक्शन फॉर्म वन को रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म टू के अंदर रखो। ठीक है, तो क्वांटिटी टू इज इक्वल्स टू, अभी मैंने ये ड्राइव किया है पेपर, रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म टू, 1225 माइनस 1/2 क्वांटिटी वन, 1225 माइनस 1/2 क्वांटिटी वन की जगह, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट खोल के क्यू टू के लिए सॉल्व कर लेंगे, 1 2 2, ठीक है, माइनस 1 2 2.5/2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 0 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिए तो जाएंगे 0.25, ठीक है, क्यू टू, ये 1 2 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 1 2 2.5 माइनस 61.25 प्लस 0.25 क्यू टू। अब क्यू टू क्यू टू एक जगह ले आए, ठीक है, और क्यू टू माइनस 0.25 q2 इक्वल्स टू 1 2 2.5 माइनस 61.25, ठीक है, यहाँ पे माइनस जमा करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 0.75 q2 के लिए सॉल्व कर दूँ, ठीक है, 81.67। अभी Q2 आ गया आपके पास, इसको आप क्या करेंगे, अब आपने क्या निकालना है, Q1 निकालना है, तो क्या करूँगी मैं, पुट Q2 इन Q1, यानी कि क्वांटिटी ऑफ वन की इक्वेशन में रखूँगी, 2.5 माइनस 1/2 Q2 की वैल्यू यहाँ पर रखूँगी, यहाँ पे Q1 आ जाएगा मेरे पास 81.67। इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऐसे ही रख के कैलकुलेट कर लीजिए, 81.67, 163.335 चाहिए, तो क्वांटिटी वन इज इक्वल्स टू 163.335, ये वो क्वांटिटी जो है वो फॉर्म वन प्रोड्यूस करेगी, क्वांटिटी टू इज इक्वल्स टू 81.67, एंड व्हाट वुड बी दी टोटल क्वांटिटी, 63.335 प्लस 81.67, 245.005। यहाँ पे आपका फॉर्म ऑफ एरिगेटरी कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर क्या है कि जो दोनों फॉर्म्स हैं वो अपनी क्वांटिटीज को देखो, क्वांटिटी निकाल आई तो प्राइस भी तो मालूम करनी है, प्राइस क्या थी 500, सबसे पहले क्वेश्चन जो सवाल में दी गई थी, टू क्यूब, ठीक है। अब जाहिर है आप चाहें तो क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू को उस वन वाली इक्वेशन में रख के सॉल्व करने, जवाब तब भी वही आएगा, चूँकि मैंने क्वांटिटी मालूम कर ली थी, उसको डायरेक्ट यहाँ रख लूँगी,
प्रोनाउंसिएशन होगा, जवाब इसका सही आ जाए। तो ये सवाल मैंने खुद बनाया था, कहीं से कॉपी नहीं किया था। शुक्र पॉजिटिव। तो एट प्राइस ऑफ 9.99 द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस विल बी 245.005। इसके अंदर से फॉर्म वन विल प्रोड्यूस 163.335 एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय फॉर्म टू विल बी 81.67। सही। तो अब इस चीज को जो है आप लोग प्रैक्टिस के लिए जो सवाल आप चेंज कर सकते हैं वो मैं आपके यहाँ देती हूँ। ठीक है, ठीक है। प्राइस आ गई, क्वांटिटी इज इक्वल टू वही क्वांटिटी वन प्लस क्वांटिटी टू दोनों फर्म्स की। टोटल कॉस्ट की मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ, दैट इज 25। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।